दौर उस वेले भरमा हंगारा मिलिया जदों रणजीत सिंह पवार हलका इंचार्ज की अगुवाई च आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी श्रोमणी अकाली दल बादल नूं नौजवान अलविदा कह के भाजपा च शामिल होए। इस मौके सोम प्रकाश केंद्रीय राज मंत्री अमरजीत सिंह अमृत जिला जलंधर देहाती प्रधान ने संबोधन करदिया होया कहा देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ते भाजपा पार्टी दीआं नीतियां नूं वेखदे होए सियासी पार्टियां दे आगू ते वर्कर अलविदा कह के शामिल हो रहे हन। इस बार भी केंद्र च अगली च भारतीय जनता पार्टी दी सरकार बणेगी। पंजाब सरकार नूं पंजाब दे वासी निराश हन के आसमानी रेट चढ़ चुके हन। पंजाब च कोई भी विकास कार्जा नहीं हो रहा। रमन बसरा सैनी नौजवानां दा जिन्हां दे अज भारतीय जनता सर इधर देखो ग्रां विखे बहुत सारे नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी दी नीतियां तो प्रभावित हो के नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसी तो प्रभावित हो के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन्होंने पार्टी बहुत बहुत स्वागत करता साढ़े जिला प्रधान अमरीक जी इतने इंचार्ज मंत्र प्रधान जी सारे हाजिर ने अपना इन्हों का स्वागत करता आस करता इन्होंने पार्टी को ताकत मिलेगी और सारे रल के देश की एकता अखंडता की राखी ने काम करेंगे और पार्टी बहुत प्रबंधित करेंगे। जब भी सरकार आई है कुछ कर नहीं सके सिर्फ बदलाव की गल की थी पर जो गैंगवार पंजाब शुरू हुई है कोई सुरक्षित नहीं है लाल लाडर का कि ना निशान नहीं है हर एक लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। कोई भी फरौतियाँ भी लोगों को मंगी जा रही मर्डर भी रोज हो रहे हैं। सरकार अमन कानून कायम रखने बुरी तरह फेल हो पहले बढ़ गया हर महल हर गली से नशा बिकता सरकार को पता रोज़ फड़िया भी जाता पर सरकार का रोब भी नहीं है सरकार कुछ कर नहीं सकती सरकार की रजिस्टेंस सरकार का डर होना चाहिए और डर नहीं है क्योंकि आप ही कुछ करते नहीं बाद दो तीन महीने के बाद इलेक्शन घूमते रहे घूम के इतने वेले हो गए आ गए ना उत्ते कुछ मिले ना इतने कुछ।